बिक्रा पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नगर पंचायत में विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर का आधिपत्य विगत दिनों में भी विधायक प्रतिनिधि के द्वारा नगर पंचायत पर एक रूम में अपने नेम प्लेट लगा ली गई थी। मीडिया कर्मी द्वारा सीएमओ से उक्त संबंध में चर्चा की गई, उसके बाद उक्त रूम खाली कराकर नेम प्लेट निकाल दी गई थी, जबकि यहां पर नगर परिषद भंग हो चुकी है और प्रभारी तहसीलदार को इसका प्रभार दिया गया है। नगर के जिम्मेदार प्रशासक और सीएमओ की है। विगत दिनों वापस रूम के बाहर नेम प्लेट लगा दी गई है। जब सीएमओ सविता सोनी जी से उक्त संबंध में बात की गई तो उन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हुए आपने बताया कि मेरे सामने नहीं लगी है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत काम होते हैं, मीटिंग में जाना होता है, मेरे पास दो नगर पंचायतों का प्रभार है। उक्त संबंध में जिला पंचायत सीईओ सुश्री शीतला पाटले से फोन पर हमारे संवाददाता ने बात की और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उक्त घटना की जानकारी विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह गौर को लगी तो उन्होंने संवाददाता को फोन पर धमकी देकर अपने रुतबे से समाज के चौथे पहरी के सिपाही के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कब्जा कर रखा है यहाँ नगर पंचायत में, नगर पंचायत में कब्जा कर रखा है मैंने, ऐसा अभी सीएमओ साहब का कहना है कि आए थे पत्रकार जी तो बता रहे थे कि उसमें नगर पंचायत में मैंने कब्जा कर लिया है जी। उस रोज भी मैंने समझाया था, अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अकल हो मेरे भाई, यदि पत्रकार हो तो ये बताओ अभी नगर पंचायत के चुनाव हो गए हैं क्या? नहीं, नगर पंचायत के चुनाव एक मिनट पहले सुनो, नगर पंचायत में कोई अभी जनप्रतिनिधि है क्या? कोई नहीं है एक मिनट सुन लो पहले जितने कर्मचारी और अधिकारी है यहाँ है ना, अगर नगर पंचायत अध्यक्ष होता या पार्षद होते तो नगर की जनता यदि उनका अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा तो उनके पास जाते ना। अब उसके अभी अभी कौन है फिलहाल में यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि? विधायक कौन होता है? चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि होता है। यदि वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो कलेक्टर साहब को भी लेटर देता है कि हमने नगर पंचायत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। क्योंकि अभी यहाँ पे नगर परिषद का गठन नहीं हुआ है और यदि नगर के नागरिकों को यदि कोई समस्या है तो अब सबको थोड़ी ना मालूम कि रवि गौर यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि है। मान लीजिए अधिकारी नहीं सुन रहा है, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं है ना, तो वो किससे संपर्क कर रहा है? यहाँ कोई किसी उस पर कब्जा है क्या, किसी कमरे पे, किसी कक्ष पे, हॉल पे? हॉल पे है ना। किसने करा है तुमने देखा अंदर आके? अंदर हॉल में कर्मचारी बैठते हैं ना। सुनो, ये पैसे मांगने के बहुत तरीके रहते हैं, ब्लैकमेलिंग का खाली एक ये तरीका नहीं है, समझ गए? थोड़ी अकल नियम की बात करे, जब मैंने अभी तेरे को एक चीज समझा रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि है नहीं है, नगर परिषद में कोई गठन है क्या पार्षदों का? नहीं, पार्षद का नहीं भाई, नगर परिषद में आज की तारीख में सुन लो मेरी बात। नगर परिषद में अभी जब कोई है नहीं भंगे तो प्रशासक को गजिस्ट्रेड ऑफिसर को उसका प्रशासक बनाया है और वो उसको देख रहा है। अरे अकलमंद तू, अगर इतना ही होता तो इंदौर बम्बई गया था, वहीं कमाता खाता। इधर सुन ले क्या होता है, जब भाई प्रशासक है, प्रशासक यहाँ बैठते हैं क्या? नहीं, वो तहसील में तो बैठते हैं ना, प्रशासक का अवेलेबल तो है। अभी यहाँ जनता परेशान हो रही है, किसके पास जाए तेरे को ढूंढे कि कहाँ है वो अकलमंद का मुंह? नहीं तो मेरी बात सुन ले, नेम प्लेट लगी ना, दीवार पे लगी है ना, कोई कब्जा है क्या कमरों पे, क्या कहीं कमरे पे दिख रहा तेरा? सुनील माली, ओके इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज चैनल से, ब्यूरो चीफ। कहाँ से? ओके इंडिया न्यूज चैनल और वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। मैम, ये टोक खुर्द में एक तो नगर पंचायत में विधायक प्रतिनिधि ने अपनी नेम प्लेट लगा रखी है, जबकि वहाँ प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं और प्रशासक की नेम प्लेट होना चाहिए थी। इसके बाद में इसके पहले भी एक बार लग गई थी तो अभी महीने भर पहले निकाल दी गई थी और फिर वापस विधायक प्रतिनिधि ने अपना नेम प्लेट लगा के एक हॉल पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ पर। और हाँ, नगर पंचायत हाँ, और सीएमओ मैडम से बात की गई इस मसले पे तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब देकर बोले मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं कहीं मीटिंग में जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, मेरे पास दो दो तीन तीन जगह का प्रभार है, मैं वहाँ देखती हूँ और इस तरीके से गैर जिम्मेदार। मैंने कहा मैम ये प्रेशर गवर्नमेंट की जगह है, मैं आके कल यहाँ अपनी नेम प्लेट लगा दूँ, मैं अपना ये कर दूँ तो कोई भी आदमी किसी भी तरह का आके कोई भी कुछ भी कर देगा बगैर आपके अनुमति, बिना वो उसके कैसे लगा दी गई?
अच्छा दूसरा मैम एक और निवेदन था, ये वार्ड क्रमांक एक में पिछले 2 साल से पानी भर रहा है और इसके ऊपर भी कई बार मतलब निवासियों ने, वार्ड के निवासियों ने अवगत करवाया वहां पर, लेकिन उस नतीजा सिफर रहता है, कोई काम कुछ हो नहीं पा रहा है मैम उसमें। चलिए ठीक है, उस मैटर पर भी देख सकते। जी मैम, जी मैम। और ये चीज हो गई, क्योंकि ऑफिस में आपके बिना परमिशन के कोई काम नहीं हो सकता है। हम नहीं बैठते हैं, पहली बात तो, कभी कहा मीटिंग में जा रहे, कभी कहा, और अभी मेरे पास 2 जगह का चार्ज है, कभी यहाँ कभी वहाँ। नहीं नहीं, वो तो मान लिया, लेकिन मैम क्या है कि कम से कम ये तो हो कि हाँ, नहीं कोई भी बंदा आके कोई कुछ भी कर देगा, कल मैं आके अपनी नेम प्लेट लगा दूं, जबकि यहाँ प्रशासक की नेम प्लेट होना चाहिए, वो गजेटेड ऑफिसर है, आज नगर पंचायत उनके अधीन चल रही है। हमने तो नहीं लगवाई, मेरे सामने लगे भी नहीं। नहीं नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी बंदा है मतलब अपने मन से कुछ भी लगा दे आके, तो मेरे सामने नहीं लगे ना, मुझे नहीं पता, मुझे पता रहता हाँ, तो कर्मचारी कर्मचारी और कैसे लगने दी, और अभी भी आपके सामने दिख रही है वो की लगी हुई है। क्या बोला इसका? हाँ वो फोन पे बात हो जाएगी, एक बार आप लगा दो। नंबर तो है नहीं ना इसमें। नहीं, ये फोन उठा लेंगे।